और अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माहौल इन दिनों काफी ज्यादा गर्म है। फीस बढ़ाने के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है और हालात पर काबू बनाए रखने के लिए वहां पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती रखी गई है, लेकिन छात्रों का गुस्सा समय समय पर उबाल मार रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाने के बाद फसाद हो रहा। चार गुना फीस बढ़ाने की वजह से छात्र संगठनों का गुस्सा भड़क गया। फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे छात्र संगठनों का गुस्सा एचआरडी मंत्रालय और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति पर फूट रहा है। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर हल्ला बोल रहे हैं। छात्र संगठनों का हंगामा जब बढ़ने लगा, हालात बेकाबू होने लगे, तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। छात्र कुलपति से मिलने पर अड़े रहे। जब पुलिस ने उनकी बात मानने से इनकार किया तो छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक होने लगी। इससे पहले कि हाथापाई की नौबत आती, किसी तरह छात्रों के गुस्से को शांत करने की कोशिश होने लगी। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ दिनों से फीस बढ़ाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। छात्रों की मांग है कि पीएचडी की फीस 501 रुपए से बढ़ाकर 15,800 रुपए कर दी गई है। और इस बीच देखिए, राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि गहलोत के अड़ियल रवैये पर कांग्रेस आलाकमान बेहद सख्त नजर आ रहा है। अध्यक्ष पद की रेस से गहलोत को बाहर कर सकती है कांग्रेस, ये अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बता दें कि अजय माकन और खड़गे ने सोनिया गांधी को राजस्थान की जो पूरी रिपोर्ट थी वो 10 जनपद में इस वक्त चल रही मीटिंग में सौंप दी है। और अंदर मीटिंग से ही इस वक्त सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि गहलोत की जगह वास्तविक और खड़गे का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर। अध्यक्ष पद की रेस में मुख्यमंत्री पद की लालसा के चलते वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस पर क्या फैसला होता है। और इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। शिवम, जरा बताइए कि अगर इस वक्त की स्थिति की बात करें तो ये जो बड़ी खबर आ रही है, क्या लग रहा है कि अशोक गहलोत के ऊपर, अशोक गहलोत को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अब जिस तरीके घटनाक्रम कल राजस्थान में हुआ, सबसे लॉयल 42 साल के करियर में सबसे लॉयल गांधी परिवार के लिए अशोक गहलोत रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कल का घटनाक्रम हुआ उससे गांधी परिवार बेहद नाराज है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कंडीशन ये हो जाएगी कि पहली बार पार्टी के इतिहास में विधायक प्रस्ताव से पहले अपनी शर्तें रख देंगे और प्रस्तावकों से उन्होंने मुलाकात भी नहीं की, यानी कि पर्यवेक्षकों से मुलाकात की बात हो रही थी वो भी नहीं की, अपनी तीन शर्तें रख दी। ऐसे में पर्यवेक्षक बेहद नाराज हुए थे। आज यहां 10 जनपद पर पहुंचे हुए हैं तीनों, चाहे मुकुल, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, अजय माकन हो और मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो सोनिया गांधी के साथ बैठक कर रहे हैं। एक तरफ जहां इनडिसिप्लिनरी एक्शन होना है कि क्या कार्रवाई की जाए, दूसरी तरफ नए जो अध्यक्ष पद को लेकर नए नामों की चर्चा अब तेज हो गई है। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने पहले ही अपने तेवर दिखा दिए, ऐसे में पार्टी को लगता है कल को अगर वो पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो कभी भी अपने निजी फायदे के लिए पार्टी में कोई बड़ी तोड़फोड़ कर सकते हैं, ऐसे में विश्वास भी नहीं दिखा जा सकता। दूसरी तरफ तमाम कार्यकर्ता जिनका कहना है कि अध्यक्ष बनने से पहले अशोक गहलोत का यह स्टैंड दिखा है कि उनका उनके लिए मुख्यमंत्री का पद यानी कि मलाई का पद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बीते एक हफ्ते पहले की बात है, मैं कांग्रेस दफ्तर में बैठा हुआ तभी कुछ राजस्थान से आए हुए नेता ये कह रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि अशोक गहलोत स्वयं सरी थरूर को जितवा दे, भले ही हंसी मजाक में हो, लेकिन उसकी उनकी इस बात से एक बात तो तय हो जाती है, अशोक गहलोत का कतई मन नहीं था कि राजस्थान के सीएम से रिजाइन देकर उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि जो शर्तें रखी गई उसमें उन्होंने कहा कि अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो मैं सीएम से रिजाइन दे दूंगा, लेकिन 103 में से सचिन पायलट को छोड़कर किसी को भी
बना दिया जाए, तो अब पार्टी क्या तय करती है, रणनीतियां क्या हैं और पेचीदगियां क्या हैं। देखिए अगर वहां पर लेकिन कार्रवाई इसके अलावा देखिए सचिन जो आप जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ नए नामों की भी एंट्री हो सकती है? शशि थरूर हो गए, अशोक गहलोत हो गए, लेकिन अब वासनिक और खड़गे के नाम भी प्रस्ताव किया जा सकता है, इसकी भी खबरें आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि संभावित नामों पर विचार शुरू हो गया है। मुकुल वासनिक पार्टी के दलित चेहरा हैं, सोनिया गांधी के बेहद वफादार हैं, इसके अलावा कमलनाथ भी उस लिस्ट में आते हैं, दिग्गी राजा का भी नाम है, और एक सबसे बड़ा नाम जो अब तक निकल कर आ रहा है वो भूपेश बघेल का है। पार्टी के थिंक टैंक का मानना है कि भूपेश बघेल ओबीसी नेता है, उनका सर्व स्वीकारता है। दूसरी बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, जो राजस्थान और एमपी में रही वहां टीएस सिंहदेव वो चाहते हैं उनको सीएम बनाया जाए, ढाई ढाई साल की बात हुई थी लेकिन पार्टी ने उसको भुला दिया। वहां भी आने वाले समय में राजस्थान जैसा घटनाक्रम हो सकता है। हलचल लगातार इस वक्त 10 जनपद पर देखी जा रही है और राजस्थान की जो सियासी हलचल है उसे वहां से कंट्रोल करने, उसे थामने की कोशिश हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में इन सब के बीच क्या राजस्थान में भी अस्थिरता नहीं पैदा रहेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शिवम लगातार नजर बना रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देख लीजिए इस वक्त की टॉप 10 खबरें। राजस्थान के सियासी संकट पर 10 जनपद में बड़ी बैठक, केसी वेणुगोपाल माकन खड़गे समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। अजय माकन और खड़गे दिल्ली पहुंचे, 10 जनपद पर जाकर सोनिया गांधी को सौंपेंगे रिपोर्ट, राजस्थान के पूरे घटनाक्रम की सोनिया गांधी को देंगे जानकारी। गहलोत से मुलाकात के बाद खड़गे का बड़ा बयान, आलाकमान का फैसला मानना होगा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी बवाल पर अजय माकन का बड़ा बयान, कांग्रेस को पूरी तरह से एकजुट होने की जरूरत, 1-to-1 चर्चा नहीं करना चाहते विधायक। राजस्थान के मंत्री धारीवाल का बयान, कहा गहलोत के पास दो पद नहीं, जब अध्यक्ष बनेंगे तभी इस्तीफा देंगे, वीडियो वायरल। गहलोत के गढ़ में सचिन पायलट के पक्ष में लगाए गए हैं पोस्टर, जोधपुर के बीच चौराहों पर लगे हैं पायलट के पोस्टर, सचिन समर्थकों का दावा, पायलट ही बनेंगे सीएम। गहलोत गुट के विधायक महेश जोशी का बयान, मानेसर जाने वालों में से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हम चाहते हैं कांग्रेस ना टूटे। राजस्थान कांग्रेस के संकट पर अनुराग ठाकुर का तंज, कहा भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राजस्थान में एंटरटेनमेंट, कुर्सी की लड़ाई का खामियाजा राजस्थान भुगत रहा। प्रस्तुतकर्ता SBI, उत्सव के रंग SBI के संग।